गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई शेल टीच यू क्लास 12th इंग्लिश विस्टास लेसन 8. नेम ऑफ द लेसन इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. नेम ऑफ द राइटर्स आर जेठकालासा एंड बामा. स्टूडेंट इट्स लेसन 8. नेम ऑफ द लेसन इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड नेम ऑफ द राइटर्स आर जेठकालासा एंड बामा. बिफोर यू रीड स्टूडेंट चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे. दिस यूनिट प्रेजेंट ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood. This unit, ये हम जो unit पढ़ेंगे student, ये autobiographical episode है. ये उनके अपने जीवन की घटना है, writer के अपने जीवन की घटना है. From the lives of two women, इसमें दो women, दो ladies हैं जिनके बारे में बताया हुआ है और वो belong करती हैं marginalized community. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो हमारे समाज में एक छोटा वर्ग माना जाता है और जिसको जो है पूरे अधिकार नहीं दिए जाते हैं. वो लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड और वो अपने बचपन की बात को याद करती हैं एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर. और वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और वो उसका क्या रिफ्लेक्ट है, उसका क्या रिलेशनशिप है मेन स्ट्रीम के साथ, जो मेन स्ट्रीम के जो कॉमन लोग रहते हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, क्या उस पर जो है इफेक्ट होता है, इस बारे में लिखा है. द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी एंड द सेकंड इज़ बाय द कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर. और कहते हैं जो पहला अकाउंट हम पढ़ेंगे, पहला तो हम ये एपिसोड पढ़ेंगे कि वो अमेरिकन इंडियन वुमेन जो है लेट 19th सेंचुरी में बर्थ हुआ था. और दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसी टाइम की बात है, कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर हैं. कंटेम्प्रेरी मीन्स उसी टाइम का जो है, जब अमेरिकन इंडियन वुमेन ने अपने बारे में लिखा और तभी उसी टाइम में जो है एक तमिल दलित राइटर थी, उसने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा. जेट्रूड साइमन बॉनी बॉर्न इन 1876. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, दो लेडीज़ हैं तो फर्स्ट कौन है स्टूडेंट, जेट्रूड साइमन्स बॉनी बॉर्न इन 1876. जेट्रूड साइमन बॉनी का बर्थ 1876 में हुआ. वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रेम्प्ड इन ए टाइम व्हेन सीवर प्रेजडाइज प्रवेल्ड टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन. कहते जेट्रूड साइमन बॉनी जो थी, बर्थ उसका 1876 में हुआ और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट थे. बहुत वो टैलेंटेड थी, एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, नेटिव अमेरिकन वुमेन थी और उसने बहुत संघर्ष किया और जीत भी हासिल की उसने अपने टाइम में. और उसने तब जीत हासिल की अपने लिए जो है, जब सीवर प्रेजडाइज प्रवेल्ड, जब बहुत ज़्यादा भेदभाव था नेटिव अमेरिकन कल्चर में और वुमेन में जो है वहाँ पे बहुत भेदभाव था, तो उस समय जो है इस राइटर ने बहुत संघर्ष किया और उसने जो है कामयाबी भी हासिल की. एज ए राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जेठकालासा. और जब राइटर ने लिखना शुरू किया तो राइटर ने अपना नाम जो है जेठकालासा रखा. जेट्रूड साइमन बॉनीज ने अपना नाम जो है जेठकालासा रखा जब वो उसने लिखना शुरू किया. एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कैलिसल इंडियन स्कूल. और 1900 में जो है राइटर ने पब्लिश किया आर्टिकल जिसमें इसने लिखा था, उसने क्रिटिसाइज़ किया था, आलोचना की थी कार्लिसल इंडियन स्कूल की. हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा. और राइटर के वर्क ने जो है आलोचना की थी डॉगमा की, धर्म मत की जो है आलोचना की थी. एंड हर लाइफ एज ए नेटिव अमेरिकन वुमेन्स वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द ईवल्स ऑफ ऑपरेशन. और राइटर की जो ज़िंदगी थी उसने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया था, अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया अगेंस्ट द ईवल्स ऑफ ऑपरेशन. जो अत्याचार थी, अत्याचार की बुराइयां थी समाज के अंदर, उसके लिए जो है राइटर ने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट किया. बामा इज़ द पेन नेम ऑफ दलित दलित वुमेन. और ये सेकंड है स्टूडेंट, एक तो थी जेट्रूड साइमन बॉनी जिसने अपना नाम जेठकालासा रखा था और नेक्स्ट राइटर है बामा. बामा इज़ द पेन नेम ऑफ तमिल दलित वुमेन. और बामा जो है एक तमिल जो है दलित वुमेन है और वो बिलोंग करती है फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली को बिलोंग करती है. शी हैज़ पब्लिश 3 मेन वर्क्स. और बामा ने जो है 3 मेन वर्क जो है पब्लिश किए थे और वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, अपनी ज़िंदगी की जीवनी लिखी है उसने. कारुकू 1992 ए नावल, संगठी 1994,
एंड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के शुंभुकरण 1996। तो ये उसके वर्क थे। कारोकू था 1992, तो ए नॉवल संगेटी 1994, और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी थी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई थी कि शुंभुकरण 1996 में। द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज़ टेकन फ्रॉम कारोकू, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में स्टूडेंट, जो हमारा यूनिट है वो लिया हुआ है कारोकू से, जो बामा ने लिखा था कारोकू उसमें से लिया हुआ है। कारोकू का मीन होता है स्टूडेंट पल्मीरा लीव्स, कारोकू मीन्स पल्मीरा लीव्स विच विद देयर सेरेटेड एजिज ऑन बोथ साइड्स। पल्मीरा लीव वो होता है जिसके सेरेटेड एजिज होते हैं, जिसके नोकीले किनारे होते हैं दोनों साइडों पे, आर लाइक डबल ए स्वॉर्ड, जिसको हम ये कह सकते हैं कि दो मुई तलवार है। बाय ए फेलिशियस वन, कहते हैं अगर हम एक आनंद लें, हमें जो एक सुख की अनुभूति मिलती है। द तमिल वर्ड करुकू, तमिल वर्ड करुकू का क्या मतलब होता है? ये कंटेन करता है वर्ड कारू, एम्ब्रॉय और सीड। कार ये जो कारुकू वर्ड्स है इसमें वर्ड्स कंटेन करते हैं कारू, एम्ब्रॉय होता है भ्रूण, सीड होता है बीज। आल्सो मीन्स फ्रेशनेस एंड न्यूनेस, और कारुकू का मीन्स जो है फ्रेशनेस भी होता है और न्यूनेस भी होता है। स्टूडेंट नाउ इट्स ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जिटकाला सा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये जिटकाला सा ने लिखा है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल वॉज ए बिटर कोल्ड वन, तो राइटर ने बताया कि जो पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स, वो जगह जहाँ पे सेब होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और वहाँ पे अभी जो है स्नो भी थी, बर्फ़ थी पूरी ज़मीन पे। एंड द ट्रीज वर बेयर, और ट्रीज जो थे बेयर थे। ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, तब क्या हुआ, एक बहुत लंबी सी घंटी बजी ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्री ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर, जब एक लंबी सी बेल बजी ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये एक मेटल की घंटी बनी हुई थी जिसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी क्रैश करने की, और थ्रू द बेलफ्री ऑफ ओवरहेड, ऐसे लग रहा था वो जो बेल बजी है सिर से पार हो गई है, और ऐसा लग रहा कानों को चीर रही है, सेंसिटिव कानों को के अंदर जा रही है। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस, द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ क्लैटर है तो शोर करना, जूतों की आवाज़ें आ रही थी, अनोइंग जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऑफ बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस, फर्श के ऊपर जो है जूतों की कदमों की जो है तेज तेज आवाज़ें आ रही थी, और हमें जो है पीस नहीं मिल रहा था, शांति हम महसूस नहीं कर रहे थे। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइस, और लगातार, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, क्लैश ऑफ हार्श नॉइस, बहुत जोर जोर से आवाज़ें क्लैश कर रही थी, विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइस मर्मरिंग एंड अननोन टंग, विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइस, ऐसा लग रहा था बहुत सारी वॉइस जो है अंडर करंट है, बहुत सारी वॉइसों की आवाज़ आ रही थी, मर्मरिंग कर रही थी, बुड़बुड़ा रही थी, ऐसे लग अननोन टंग, पता नहीं चल रहा था कोई क्या बोल रहा है। मेड ए बेडलम विद इन विच आई वॉज क्योरली टाइड, मेड ए बेडलम, बेडलम होता शोर होना, मेड ए बेडलम कहते बहुत ज़्यादा शोर हुआ, विद इन विच आई वॉज क्योरली टाइड, जिसमें जो है ऐसे लग रहा था मैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही हूँ। एंड दाउ माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, एंड दाउ माई स्पिरिट, और इसमें मुझे लगता था मेरी आत्मा अपने आप को टोर कर रही है, खुद को कचोट कर रही है, संघर्ष कर रही है, ऐसे लग रहा है मेरी आज़ादी खो गई यहाँ पे आके। ऑल वॉज यूजलेस, ऐसे लग रहा था सब कुछ जो है वेस्ट है। ए पेल फेस वूमेन विद वाइट हेयर, कहते एक औरत जिसका पीला चेहरा था, सफ़ेद बाल थे, केम अप आफ्टर अस, वो हमारे पीछे आई, वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हम सब लड़कियों ने एक लाइन बना ली, हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, हम सब गर्ल्स ने एक लाइन बनाई और हम मार्च करके जो है डाइनिंग रूम में जाने लगे। दीज वर इंडियन गर्ल्स, वो सब लड़कियाँ इंडियंस थी, इन स्टिफ शूज, बहुत सख्त जूते पहने हुए थे, क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, सख्त जूते पहने हुए थे और बड़ी टाइट क्लिंगिंग ड्रेस पहने हुए थी, टाइट कपड़े पहने हुए थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव एप्रन एंड सिंगल हेयर, और वहाँ जो छोटी लड़कियाँ थे उन्होंने पूरी बाजू वाले एप्रन पहने हुए थे और उनके सिंगल हेयर थे, छोटे छोटे बाल थे सिर के। एज आई वॉक्ड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मकैसिन, और जैसे कि कहते मैं चली बिना शोर किए अपने नरम जूतों में, सॉफ्ट मकैसिन, नरम जूतों में चलती गई। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, जब मैं चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फर्श के अंदर ही मेरे पैर धंस रहे हों। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बिन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर, और मेरा जो कंबल था वो मेरे कंधों से उतर गया। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल, मैंने बड़ी मुश्किल से जो है भारतीय लड़कियों को देखा,
हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडस्टली ड्रेस्ड। कहते उनको देख के ऐसे लग रहा था उनको कोई परवाह ही नहीं है कि उन्होंने इमोडेस्ट ड्रेस पहनी हुई है, ऐसी ड्रेस पहनी है, ऐसी टाइट ड्रेस पहनी है जिनमें उनको जो है शर्म नहीं आती। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, कहते वो इन्होंने इतने टाइट कपड़े पहन रखे थे। वाइल वी मार्च इन, जब हम अंदर गए, द बॉयज एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर। जब हम अंदर गए तो जो लड़के थे वो दूसरे ऑपोजिट दरवाजे से आए। आई वॉज फॉर थ्री यंग ब्रेव्स, मैंने देखा तीन बहादुर लड़के थे। हु केम इन आवर पार्टी, जो हमारी पार्टी में आए। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक, और मैंने जो है पीछे रियर रैंक पीछे से जो है मैंने उनकी जासूसी की, उनको देखा। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, ऐसे लग रहा था वो भी अपने आप को अनकम्फर्टेबल हैं। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, जैसे मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ ऐसे वो भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। ए स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, एक जो थोड़ी छोटी घंटी बजी। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और सभी ने जो है सभी विद्यार्थियों ने पीपल्स ने जो है टेबल के अंदर से जो है कुर्सी बाहर निकाली। सपोजिंग दिस एक्सपेक्टमेंट दे वर टू बी सीटेड, और ऐसे लग रहा था कि अब सब इस कुर्सी पे बैठेंगे। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी कुर्सी निकाली। एंड एट वंस स्लिप्ड इट इनटू फ्रॉम वन साइड, और जल्दी से एक साइड से उस पर बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड, परंतु जैसे मैंने अपना सिर घुमाया, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, मैंने देखा सिर्फ मैं ही बैठी हुई हूँ। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, और बाकी सब तो खड़े थे। जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, जैसे ही मैं उठी, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, और जैसे ही मैं उठी और मैं इधर उधर देखने लगी कि कुर्सी को किस तरह से यूज़ करना है। ये सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, फिर दोबारा दूसरी बेल बजी। All were seated at last, सारे बैठ गए फिर। And I had to crawl back into my chair again, फिर मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। I heard a man's voice at one end of the hall, तो एक हॉल के एंड में एक आदमी था, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। And I looked around to see him, मैंने उसको देखा। But all the others hung their heads over their plates, मैंने उसको देखा परंतु बाकी जितने भी थे सब ने अपने प्लेट जो है झुकाए, अपने सिर जो है प्लेट के ऊपर झुकाए हुए थे। एज आई ग्लांस्ड एट ए लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, मैंने देखा बड़ी एक लंबी सी टेबल लगी, टेबल की जो एक लंबी सी चेन बनी हुई थी, बहुत सारे टेबल लाइन में लगे हुए थे। आई कॉट द आइज ऑफ ए पेल फेस वुमन अपॉन मी, मैंने देखा एक पीले रंग एक औरत जिसका चेहरा पीला था, उसने मुझे देखा। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, और जल्दी से मैंने अपनी आंखों को ड्रॉप कर लिया, नीचे कर लिया, झुका लिया। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज कीनली वॉज बाई द स्ट्रेंज वुमन, और जो मुझे हैरानी हो रही थी कि ये स्ट्रेंज वुमन मुझे क्यों दिख रही है। द मैन सीज इज मटरिंग, और आदमी ने जो है मटरिंग बोलना बंद किया। देन ए थर्ड बेल वॉज टैप्ड, फिर तीसरी बेल बजी। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगिन ईटिंग, सभी ने अपना जो है नाइफ और फोक उठाया और खाना शुरू कर दिया। आई बिगिन क्राइंग इंस्टेड, और मैंने इसकी बजाय जो चिल्लाना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, और अब तो इस समय जो है मुझे डर लग रहा था कि मैं कुछ और कहती। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे, परंतु ये फार्मूला जो पहले दिन खाने का था ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जोडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, लेट इन द मॉर्निंग, कहते सुबह लेट जो है मेरी फ्रेंड जोडविन ने जो है मुझे एक वार्निंग दे दी। जोडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जोडविन को कुछ इंग्लिश के वर्ड आते थे। एंड शी हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, जोडविन को कुछ इंग्लिश वर्ड आते थे और जोडविन ने जो है ये सुना था कि वो जो पेल फेस वुमेन थी, जो पीले रंग वाली चेहरे वाली जो औरत थी, उसने जो है उसने बोला था कटिंग आवर लॉन्ग हेयर, कि वो हमारे लंबे बाल काट देगी और भारी बालों को काट देगी। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, और राइटर ने बोला कि मेरी मदर ने ये बताया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जो योद्धा स्किल्ड नहीं होते हैं और जिनको दुश्मन पकड़ लेते हैं, फिर वो दुश्मन उनके बाल काट देते हैं। Among our people, short hair was worn by mourners. और कहते हमारे में तो उन लोगों के बाल छोटे होते हैं जो mourners होते हैं, जिनको कोई शौक होता है, दुख होता है, अफसोस होता है, उनके बाल छोटे होते हैं। And shingled hair by cowards, या जो डरपोक लोग होते हैं उनके shingled hair होते हैं, उनके बाल छोटे होते हैं। We discussed our fate some moments, हमने अपनी किस्मत का फैसला जो है सोचा, कुछ पल के लिए हमने सोचा अपने फेट के लिए। एंड व्हेन जोडविन सेड, और जोडविन ने बोला
वी हैव टू सबमिट, हमें तो स्वीकारना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रांग, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हैं। आई रिबल्ड, मैंने जो है विद्रोह किया था। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। तो राइटर ने बोला, मैंने बोला कि मैं तो सबमिट नहीं करूँगी, मैं तो कहना नहीं मानूंगी, मैं तो इसके लिए संघर्ष करूँगी। आई वास्ट माई चांस, मेरा चांस आ गया, मेरी टर्न आ गई। एंड वेन नो वन नोटिस, किसी को पता नहीं चला, आई डिसअपीयर्ड, मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्कीकिंग शूज, और जो मेरे सख्त जूते थे कहते उसमें जो है, आई क्रेप्ट अप द स्टेयर, मैंने जो है सीढ़ियों पर चढ़ गई मैं, और जैसे जा सकती थी एज क्वाइटली चुपचाप मैं जो है सीढ़ियों पर चली गई। एज आई कुड इन माई स्पीकिंग शूज माई मोकेसन हैड बीन एक्सचेंज्ड, और कहते जब मैं चढ़ रही थी तो मेरे जो मोकेसिन थे, जो नरम जूते थे, वो स्पीकिंग शूज में जो बदल गए थे और मैं जाने लगी। स्पीकिंग शूज होता है सख्त जूते और मोकेसिन होते हैं नरम जूते, हैड बीन एक्सचेंज, कहते मेरे जो नरम जूते सख्त जूतों में चेंज हो गए थे, एक्सचेंज फॉर शूज। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ट, और पूरा हॉल मैंने जो है पास कर लिया, वहाँ से गुजरती हुई चली गई। विदाउट नोइंग वेयर आई वॉज गोइंग, वीदर आई वॉज गोइंग, विदाउट नोइंग, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। टर्निंग असाइड टू ओपन द डोर, ओपन डोर, टर्निंग असाइड, मैंने एक साइड पर टर्न किया, दरवाज़ा खोला। आई फाउंड ए लार्ज रूम, मैंने देखा वहाँ एक बहुत सारा बहुत बड़ा कमरा है, और उसमें क्या है, विद थ्री वाइट बेड्स इन इट, और उसके अंदर तीन बिस्तरे लगे हुए हैं सफ़ेद रंग के। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन, और जो विंडोज़ थी वहाँ पे वो तो कवर थी। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन जो है पर्दे लगे हुए थे। जिस कमरे में मैं गई वहाँ पे जो है तीन बेडरूम थे वाइट कलर के, और जो खिड़कियाँ थी उसके ऊपर जो है गहरे हरे रंग के जो है पर्दे लगे थे, विच मेड द रूम वेरी डिम, और उससे कमरे में अंधेरा सा हो रहा था। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, ये कि भगवान का शुक्र है कि वहाँ कोई था नहीं। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, और मैंने जल्दी से अपने कदम जो है वहाँ पर जो है लेके गई। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, दरवाजे से दूर में कोने में चली गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, मैं अपने हाथों से और घुटनों से जो है बेड पे के नीचे क्रॉल करने लगी। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और मैंने अपने आप को जो है हडल्ड माई सेल्फ, छुपा लिया एक कोने में, अंधेरे वाले कोने में। From my hiding place I peered out, अपने छुपी हुई जगह से मैंने झांक के देखा। Shuddering with fear, मुझे डर से कांप रही थी। Whenever I heard footsteps nearby, जब मुझे कोई बाहर कदमों की आवाज़ आती तो मुझे डर लग रहा था। Though in the hall loud voices were calling my name, और हॉल में जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी और मेरा नाम बोला जा रहा था। And I knew that even Judwin, और मुझे ये भी पता था, इवन जुदविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, और जुदविन जो मेरी फ्रेंड थी वो भी मुझे तलाश रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने अपना मुँह ही नहीं खोला जवाब देने के लिए। देन द स्टेप्स वर क्विकंड, और कदमों की आवाज़ और तेज़ हो गई। एंड द वॉइस भी केम एक्साइटेड, और जो आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और आवाज़ें थी ऐसे लग रहा जैसे और मेरे पास तक आ रही हैं। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, औरतें और जो लड़कियां थी वो मेरे कमरे में आ गई। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस को रोक लिया। एंड वाज देम ओपन क्लोज डोर, और मैंने उनको देखा कि वो क्लोजर डोर जो दरवाज़ा बंद है उसमें से जो है उनको उन्होंने मुझे देखा। एंड पीप बिहाइंड ए लार्ज ट्रंक, और एक बड़ा सा ट्रंक पड़ा था उसके पीछे से देखा। समवन थ्रू अप द कर्टन, किसी ने पर्दा हटा दिया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद द सडन लाइट, और जैसे पर्दा हटाया गया और एकदम रोशनी आ गई कमरे में। वट कोज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, कहते क्या कारण था जो वो इतना झुक रहे थे, और लुक अंडर द बेड, झुक के स्टूप होता है झुकना, लुक अंडर द बेड, बेड के नीचे देख रहे थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। आई रिमेंबर बींग ड्रैग आउट, मुझे याद है उन्होंने मुझे खींच दिया बाहर। दाओ आई रिसिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, मैं उनको रिसिस्ट रोक रही थी, उनको किक कर रही थी, किक करके रोक रही थी, स्क्रैच कर रही थी, अब मार रही थी उनको नाखूनों से, उसको उनको स्क्रैच कर रही थी ओके मुझे छोड़ दो। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरी डाउन स्टेयर, इसके बावजूद भी जो है मुझे नीचे ले जाया गया। एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, फिर मुझे कुर्सी के साथ बांध दिया। आई क्राइड अलाउड, मैंने ज़ोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड, मैंने ज़ोर से सिर हिलाया ऑल द वाइल, अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक एंड हार्ड एंड देन गना ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, कहते राइटर ने बताया। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत ज़ोर से चलाई, मैंने सिर हिलाया अपना,
ऑल द वाइल थोड़ी देर के लिए। और तब तक जो है जब फिर मैंने महसूस किया कि एक ठंडा ब्लेड जो है ब्लेड्स ऑफ द सीजर कैंची का जो एक ब्लेड है वो मेरी गर्दन के पास आया और मैं मुझे सुनाई दिया कि उन्होंने जो है मेरी एक थिक ब्रेड एक मोटे बालों की लट जो थी उसको गना ऑफ कर दिया। गना ऑफ मीन्स जो है काट दिया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। उस समय मेरी स्पिरिट कहते आत्मा ख़त्म हो गई। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर। कहते वो दिन जब से मेरी माँ मैं अपनी माँ से अलग हो गई, जब से इन्होंने मेरी माँ से मुझे ले लिया, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज मैंने जो है बहुत अपमान बर्दाश्त किया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी लोगों ने मुझे घूरा। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपर और लोगों ने जो है मुझे जैसे एक लकड़ी का की कठपुतली होती है इस तरह से हवा में टोस किया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड अब मेरे जो लंबे बाल थे उनको भी काट दिया लाइक ए क्वार्ट्ज जैसे कि डरपोक के बाल होते हैं। इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर और मैं अपने दुख में जो है अपने माँ के लिए बहुत अफसोस कर रही थी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी किसी ने जो है मुझे कम्फर्ट नहीं किया, दिलासा नहीं दी। नॉट ए सोल रीजन क्वाइटली विद मी किसी एक आत्मा ने भी मुझे जो है चुप नहीं कराया एज माई ओन मदर यूज टू डू जैसे कि मुझे अपनी माँ चुप कराती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन बाय हर्डर और अब मुझे ऐसे लगता था मैं उन छोटे जानवरों में से एक हूँ जिसको जैसे एक हर्डर होता है अपने गाय भैंसों को चराता है, जैसे कोई ग्वाला होता है अपने एनिमल्स को चराता है। मुझे लगता था मैं भी उन एनिमल में से एक हूँ। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट वन ऑफ दिस लेसन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन। एंड स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओबे योर पेरेंट्स। Thank you, have a nice day. God bless you all.